All of us are eagerly waiting the Union Budget 2022, जो आज 11 बजे प्रेजेंट होगा. फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है ये ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम का फोर्थ बजट है. इस बजट को जब आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे, आपको पता चलेगा जब बजट स्पीच लगभग 11 बजे चालू होगा एंड लगभग 1.5 से 2 घंटा बजट स्पीच चलता है. टिपिकली इनिशियली इनकम टैक्स रिलेटेड जो प्रोविजन है उसके बारे में काफी लेंथी डिस्कशन होता है एज कम्पेयर टू जीएसटी. और जैसे इनकम टैक्स के चेंजेस के बारे में डिस्कशन खत्म हो जाएगा, आपको जीएसटी एंड कस्टम्स रिलेटेड चेंजेस के बारे में डिस्कशन दिखेगा. लास्ट 3-4 साल का अगर आप बजट ट्रैक कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि बिकॉज जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे चेंजेस डिस्कस किए जाते हैं और इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके बाद में टिपिकली आप देखेंगे यूनियन बजट में जीएसटी के रिलेटेड बहुत कम बजट स्पीच में आपको बहुत कम डिस्कशन दिखेगा. बट इसका मतलब यह नहीं है कि यूनियन बजट में जीएसटी के रिलेटेड चेंजेस नहीं होते. रादर आप देखेंगे कि यूनियन बजट के थ्रू ही मैक्सिमम जो जीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में, दैट इज सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट में जो चेंजेस किए जाते हैं वो टिपिकली यूनियन बजट के थ्रू ही किए जाते हैं. जब आप देखेंगे बजट स्पीच तो आपको ब्रीफली अंडरस्टैंड होगा, एटलीस्ट थीम पता चलेगा कि जीएसटी और कस्टम में क्या चेंजेस आने वाले हैं. उसके बाद में जब लगभग बजट स्पीच खत्म हो जाएगा, आधे एक घंटे बाद लगभग 1.5 से 2 बजे के बीच में आपको यूनियन बजट के जो डॉक्यूमेंट्स है, बीट बजट स्पीच, फाइनेंस बिल वगैरह, वो सब एक ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अवेलेबल किए जाते हैं. और उस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है unionbudget.nic.in. यहां पर आपको बजट स्पीच का कॉपी, फाइनेंस बिल का कॉपी, मेमोरेंडम का कॉपी, रिलेवेंट नोटिफिकेशंस का कॉपी और जो अलग अलग एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं उन सब का कॉपी अवेलेबल हो जाता है आपको. अगर फ्रेंड्स आपको समझना है कि जीएसटी में चेंजेस क्या किए गए हैं, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यू शुड लुक एट इज द फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल जब आप देखेंगे तो टिपिकली पहले आपको इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस दिखेंगे और उसके नीचे आपको टिपिकली कस्टम्स, कस्टम टैरिफ और जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट के चेंजेस दिखेंगे. लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अगर आप बजट ट्रैक कर रहे हो तो आपने देखा रहेगा लगभग 10 से 15 चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीजीएसटी एक्ट में एंड लगभग 2 से 3 चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आईजीएसटी एक्ट में. उसके बाद अगर आप देखेंगे यार आपको बजट को समझना है एंड आपको अगर फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करना है तो आप मेमोरेंडम एक रहता है जहां पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दोज मेमोरेंडम के जो नोट्स है उसको. कस्टम्स अगर आपको समझना है तो कस्टम्स के लिए कस्टम के रिलेवेंट नोटिफिकेशन आपको देखने पड़ेंगे, टैरिफ के कुछ नोटिफिकेशन रहते हैं वो देखने पड़ेंगे और उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्रिटिकल चेंजेस विच आर प्रपोज्ड इन कस्टम्स. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बजट को डिकोड कर सकते हो.